और उनमें से एक ड्रैगन जो है वेगार को मार गिराएगा, जिसमें दोनों ड्रैगन एक दूसरे को बुरी तरीके से घायल कर देंगे। और यहां तक आते आते वेगार अब काफी काफी हद तक भाई साहब अधमरा। भाई साहब जैसे जैसे हाउस ऑफ द ड्रैगन सीजन 2 अपने 8वें एपिसोड की तरफ बढ़ रहा है, यानी खत्म होने की कगार पर बढ़ रहा है, और वेगार की जो खूंखार दरिंदगी दिन पे दिन बढ़ती जा रही है, एपिसोड टू एपिसोड बढ़ती जा रही है, सबके मन में एक ही क्वेश्चन चल रहा है कि भाई साहब वेगार को आखिर टक्कर कौन दे पाएगा, या फिर वेगार को आखिर मारने वाला है कौन ऐसा माइकल। तो बाबा आज उसी चीज पर बात होगी, इसलिए स्पॉइलर पहले ही बता दें कि भाई साहब इसमें स्पॉइल होने वाली है, जो आपके आगे जाकर सीजन में वेब सीरीज में कहानी का मजा खराब कर सकते हैं। बाबा देयर आर 3-4 ड्रैगन्स इन ब्लैक साइड जो वेगार को 1-on-1 में इजीली टक्कर दे सकते हैं, और उनमें से एक ड्रैगन जो है वेगार को मार गिराएगा वो है कराक्सिस ड्रैगन। पहले ही स्पॉइल दे दूं कैसे भाई, इससे पहले अगर बात करें ब्लैक्स के पास ड्रैगन की कोई कमी नहीं है, ऑलमोस्ट पूरे 13 ड्रैगन हैं इनके पास, जिनमें से 4-5 ड्रैगन क्लेम्ड ड्रैगन हैं और बाकी के ड्रैगन राइडरलेस हैं। हाँ, ग्रेन्स के पास सिर्फ 4 ड्रैगन हैं, लेकिन इनके पास काफी ड्रैगन हैं बट राइडरलेस हैं, जिनमें से 3 ड्रैगन की भाई बहुत चर्चे चल रही हैं इस टाइम पर, 3 वाइल्ड ड्रैगन इन ड्रैगन स्टोन, कैनिबल ड्रैगन, सीपस्टेलर ड्रैगन एंड 3rd ग्रे होस्ट ड्रैगन। बस अब इन 3 ड्रैगन की बात चल रही है कि ये तीनों ड्रैगन क्या इजिली वेगार को हरा सकते हैं, टक्कर दे सकते हैं, तो अभी इस चीज पर बात करेंगे। देन उसके बाद डैमन और कराक्सिस की क्या बात होने वाली है, भाई साहब गॉड्स आई का क्या रोल है, उस चीज पर भी बात करेंगे। उससे पहले अगर ना वीडियो पे लाइक नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। भाई साहब शुरुआत करते हैं 3 वाइल्ड ड्रैगन में, जिसमें कैनिबल नंबर 1 पर आता है, जो ओल्ड मोस्ट ड्रैगन है, वेल एक्सपीरियंस्ड है और सबसे पुराना ड्रैगन है, जिसके बारे में भी तो किसी को नहीं पता है कि आखिर पुराना कितना है। ब्लैक डार्क कोयले की तरह सर्पेंट साइज एंड कैरेक्टर ड्रैगन के दुगने साइज का है, लेकिन अनडिसिप्लिन्ड है, अनटेमेबल है, यानी इसे पालतू नहीं बना सकते, इसे अपने इशारों पर नहीं नचा सकते, क्योंकि ये बंदा इतना वाइल्ड है, इतना ब्रूटल है कि ये किसी को भी खा जाता है। और यहां तक बात आती है कि अपने ही स्पीसीज यानी अपने ही ड्रैगन्स को, उनके बच्चों को, उनके अंडों को तक खा जाता है। अकॉर्डिंग टू जॉर्ज आर आर मार्टिन की बुक्स के हिसाब से बोले जा फायर एंड ब्लड में ये अनबील है कि भाई साहब जब राइडर्स, जब जकारिस राइडर्स लेके आता है और कहता है कि इनमें से किस कौन कौन से ड्रैगन को आप चुनना है, तो सभी राइडर वर्मिथोर के पास जाएंगे, सीपस्टेलर के पास जाएंगे, ग्रे घोस्ट के पास जाएंगे, देन उसके बाद सिल्वर विंग के पास जाएंगे, लेकिन कैनिबल ड्रैगन के आसपास भटकने की भी कोई हिम्मत नहीं करता है, क्योंकि एवरीवन नोज उसका जो नेचर है, उसका जो एटीट्यूड है, कितना गांड फाड़ है, और उनमें से कोई भी भाई साहब पड़ी लकड़ी तो नहीं लेना चाहता है। देन उसका सेकंड ड्रैगन की बात करें तो सीप स्टीलर ड्रैगन, भाई साहब ये फ्रेंडली है लेकिन ये भी बहुत खूंखार ड्रैगन है, वाइल्ड में काउंट करा जाता है, बहुत तेज है, फुर्तीला है। अगर इसके रंग की बात करें तो मिट्टी की तरह ब्राउन है, यानी मटमैला है और काफी भयंकर है। एक ही राइडर इसका रहा है इसके पूरे जीवन काल में, वो है नेटलेस, एंड जो डांस ऑफ द ड्रैगन्स में काफी वॉर में साथ देता है जकेरिस ड्रैगन का, प्रिंस जकेरिस का और प्रिंस डायमंड टारगेरियन का। प्रिंस डायमंड टारगेरियन का जब लास्ट में फाइट होती है गॉड्स आई में, तब सीप स्टेलर भी वहां पर साथ होता है और काफी ज्यादा मदद करता है कराक्सिस ड्रैगन की वागार को घायल करने के लिए। 3rd वाइल्ड ड्रैगन की बात करें तो वैसा ग्रे घोस्ट, जो पेल ग्रे व्हाइट कलर में है, और ये ड्रैगन भी काफी अनडिसिप्लिन्ड है, अनकंट्रोलेबल है और बाकी के राइडर के हत्थे नहीं लगता है। हाँ, खाने में इसे मछलियां बहुत पसंद हैं, एंड ये ड्रैगन ऑफ वॉर में कहीं भी कहीं से तक पार्टिसिपेट नहीं करेगा, तो ये दोनों ड्रैगन नहीं पार्टिसिपेट करते हैं। हाँ, खूंखार है लेकिन 1-on-1 में वागार को हरा पाना इसके लिए मुश्किल है। हाँ, बहुत ज्यादा ये घायल कर देगा, काफी हद तक टक्कर दे देगा, लेकिन जीतना मुश्किल हो जाएगा इसके लिए। तो ये 3 वाइल्ड ड्रैगन है भाई साहब, इनके बारे में जहां तक मुझे मिला मैंने आपको शेयर कर दिया। जो कहीं कहीं भाई साहब क्रिटिक्स में ये भी सुनने को आ रहा था कि ये तीनों वाइल्ड ड्रैगन पार्टिसिपेट करने वाले हैं ड्रैगन वॉर में, बट तीनों नहीं करेंगे, सिर्फ एक ही करेगा, वो है सीप स्टेलर। बात करें भाई साहब गॉड्स आई की, जो बहुत बहुत चर्चे में है, क्योंकि वागार जो अनडिस्प्यूटेड है, अनबीटेबल है, तो भाई साहब इसे कौन हराने वाला है। कराक्सिस ड्रैगन की बात आ रही है, जो बिल्कुल हाफ साइज का है उसका, लेकिन भाई साहब वेगार जब लास्ट लड़ाई लड़ी जाएगी इन दोनों के बीच में, डैमन और एमन टारगेरियन के बीच में, जो गॉड्स आई के ऊपर होगा, समंदर के ऊपर होगा, तो वो लड़ाई कब लड़ी जाएगी, जब किंग्स लैंडिंग पर अनेरिया टारगेरियन का कब्जा हो जाएगा, जब वो किंग्स लैंडिंग जीत लेगी, उसके बाद एक लड़ाई ये लड़ी जानी है।
कराक्सिस। अब यहाँ पर इसको बहुत फायदा मिल जाएगा क्योंकि वागार यहाँ तक आते आते काफी ओल्ड हो चुका है, काफी कमजोर हो चुका है और काफी थक भी चुका है बहुत सी लड़ाइयां लड़ने के बाद। तो लास्ट ये लड़ाई होगी भाई साहब, बहुत खूंखार लड़ाई होगी जिसमें दोनों ड्रैगन एक दूसरे को बुरी तरीके से घायल कर देंगे, एक दूसरे के पर को फाड़ देंगे। और वागार के पर तो अभी भी जगह जगह आपको छेद देखने को मिल जाएंगे, काफी ओल्ड हो चुका है। देन उसके बाद कराक्सिस जो काफी फुर्तीला ड्रैगन है उसे भाई साहब इस चीज का भरपूर एडवांटेज मिल जाएगा। दोनों ड्रैगन एक दूसरे को अपने पंजों से बुरी तरीके से खरोंच के लगभग अधमरा कर देंगे और यहां तक आते आते वागार अब काफी अनकॉन्शियस हो चुका होगा और कराक्सिस यहीं पर फायदा उठाएगा अपनी लंबी गर्दन का और जबरदस्त अपने जबड़े में एक ही बार में वागार की गर्दन को पकड़ेगा और इतनी बुरी तरीके से पकड़ेगा कि वो छोड़ेगा नहीं। और यहाँ तक आते आते वागार अब काफ़ी हद तक भाई साहब अधमरे से भी ऊपर पहुँच चुका होगा और यहीं पर अब डैमन जो है अपने कराक्सिस ड्रैगन से उतरकर वागार के ऊपर जाएगा और वागार में चढ़कर भाई साहब वो एमंड अपने भतीजे की आंख में जो अपनी डार्क सिस्टर वलेरियन स्टील है उससे आंख में खोपेगा, जो साथ में चारों एक साथ जो नीचे गिरेंगे बहुत तेजी से पानी के ऊपर और यहाँ पर इन चारों की कहानी खत्म हो जाएगी। भाई साहब अकॉर्डिंग टू फायर एंड ब्लड जॉर्ज आर आर मार्टिन की जो बुक है वहाँ पर बस यही मेंशन करा गया है कि ये चारों मारे जाएंगे, कराक्सिस भी, डेमन टारगेरियन भी, वागार भी एंड एमन टारगेरियन भी। तो भाई साहब दैट इज द स्पॉइलर जो हमें सीजन 2 के एंड में देखने को शायद थोड़ा सा देखने को मिल जाए क्योंकि हो सकता है सीजन 2 के एंडिंग पर रेनिरिया जो है कब्जा कर लेगी किंग्स लैंडिंग पर, लेकिन ये चीज प्रॉमिस करी जा रही है ये गॉड्स आई की बैटल जो लास्ट बैटल इन दोनों के बीच में दिखाई जाएगी वागार और कराक्सिस के बीच में वो सीजन 3 में दिखाई जाएगी। लेकिन सीजन 3 यहां तक ये भी प्रॉमिस करा जा रहा है कि सीजन 3 में एगन द कॉन्करर की कहानी भी दिखाई जाएगी, कैसे एगन द कॉन्करर ने भाई साहब ये इतने सारे जो ये सातों साम्राज्य का जिसके ऊपर ये राज कर रहे हैं इसको कैसे जीता था। वहाँ पर आपको वर्मिथोर का भयानक रूप रंग देखने को मिलेगा, आपको सिल्वर विंग का भयानक रूप रंग देखने को मिलेगा और भी ब्रूटल ड्रैगन जो अभी इतने नहीं है, अभी सिर्फ ब्रूटल ड्रैगन में काउंट करे जाते हैं अपना वागार, देन उसके बाद कराक्सिस ड्रैगन और बाकी अनएक्सपीरियंस हैं और बहुत छोटे हैं तो इसलिए उन्हें काउंट नहीं करा जाता है। तो भाई साहब सीजन 3 भी काफी दमदार होने वाला है, फिलहाल तो एपिसोड 6 के लिए वेट है जो कुछ टाइम बाद निकल ही जाएगा। तो कौन कौन कितना वेट कर रहा है एपिसोड 6 के लिए क्या होने वाला है, यहाँ पर भाई साहब ये तो तय है कि लड़ाई होने वाली है, वॉर तो होने वाली है और खासकर रिवरलैंड पर होने वाली है जहां पर डेमन टारगेरियन पहले से ही सत्ता जमा के बैठा है और खाद लगा के बैठा है कि भाई कोई तो आए और मैं उसे थज्जिया उड़ा दूं। और कोई में भाई साहब एमन टारगेरियन ही आने वाला है वागार को लेकर और यहाँ पर क्वीन रेनिरिया टारगेरियन भी अपने हाथ में कमान ये ले चुकी है। जकेरिस भाई साहब राइडर्स को ढूंढ रहा है तो हो सकता है वर्मिथोर के लिए राइडर ढूंढ लेगा एपिसोड 6 में जो ह्यू हैमर द बास्टर्ड ऑफ ब्लैक स्मिथ प्रॉमिस करा जा रहा है। भाई साहब देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता है। बाकी ये वीडियो आपको कैसी लगी जरूर नीचे कमेंट बॉक्स में बता के जाना और कितनों के मन में डाउट था कि भाई साहब वागार को कोई भी हरा नहीं सकता तो मैंने आपको बता दिया कि कौन हरा सकता है कौन नहीं हरा सकता है। बाकी आपके हिसाब से और भी क्या थ्योरी हो सकता है और भी कौन कौन से खूंखार ड्रैगन हैं जो 1-on-1 में वागार को टक्कर दे सकते हैं नीचे कमेंट बॉक्स ओपन है, जरूर शेयर करके जाना अपना एक्सपीरियंस एंड मिलते रहेंगे ऐसे ही। और यहाँ तक पहुँच गए हो तो उसका वीडियो पसंद आई तो लाइक कर दीजिए, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, सब्सक्राइब जरूर करना ब्रो, बहुत बहुत मेहनत करते हैं आपका जगह जगह से ढूंढ के लाते हैं आपके लिए इतनी सारी चीज़ें ताकि आपको मजा आते रहे। मिलते रहेंगे ऐसी, जय हिंद।